गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और प्रणाम, और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में, नई ब्लॉग में। तो अभी बज गए सुबह के 8:30 बजे से हो गई है ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव, मेरे ससुराल का जो गाँव है वहाँ जा रहे हैं आज हम सब लोग, पूरा परिवार। तो हम क्यों जा रहे हैं वो आपको वहीं जाके बताएंगे। अभी हम लोग सब लोग जाने के लिए हो गए हैं यहाँ पर तैयार। तो ये भी हो गए यहाँ पर तैयार। आज हम जा रहे हैं अपने गांव। ये आज बहुत साल बाद जा रहे हैं अपने गांव। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, आज तक कभी नहीं गई। मलय और जीजाजी भी तैयार हो गए हैं, वहाँ पर मम्मी और दीदी भी तैयार हो गए हैं। मैं कितने टाइम बाद जा रही हूँ? आज मैं 12 साल बाद। मम्मी आज अपने ससुराल अपने 12 साल बाद जा रही है। उसी दिन गए थे। मम्मी दी भी तभी गई होंगी ना? हाँ, मैं बीच में भी गई थी। अच्छा, किसके साथ? क्या कर रहे हैं? 9 साल हो गए। मम्मी जा रहे हैं 10-12 साल बाद, और दीदी 9 साल बाद, और मैं और जीजाजी और मलय जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और हमारे घर पे रुकने वाले हैं दादा दीदी, ये हमारे और सब्जी हमने अपने घर की देखभाल करने के लिए दादा दीदी को रखा हुआ है। अभी और लोग भी आने वाले हैं, गाड़ी भी नहीं आई अभी। तो जैसे सब लोग आएंगे, गाड़ी आएगी तो फिर हम चलेंगे सब लोग। हम लोग तो इतने टाइम बाद जा रहे हैं, पापा तो जाते रहते हैं और पापा कल ही चले गए, हम लोग आज जा रहे हैं। तो आज वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा है हमारा गांव। सब लोग आ गए हैं, बुआ मौसी कमला भाभी, तैयारी हो गई है सबकी। ये देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बाय बोल दो, बाय बाय। राधा दीदी और जतिन खड़ी में रह रहे हैं। तो अब हम सब लोग निकलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं आगे। अभी हम लोग घर से डिटिहाट आए, डिटिहाट से थल से होते हुए अभी हम नाचनी में पहुंचे हैं। ये है नाचनी की बाजार, तो एक बार आपको नाचनी का व्यू दिखा दे। ये रही हमारी गाड़ी। हम लोग उस वाले पुल से आए थे। अभी हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा फल फ्रूट रखे हैं, तो गाड़ी रुकी हुई है। अभी हमने ज़्यादा लोग थे तो बड़ी गाड़ी करी है। अब यहाँ से चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे का। हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव और हम जा रहे हैं आज मंदिर। दिखाते हैं आपको कैसा है करके हमारा मंदिर, हमारे गांव का मंदिर। अभी हम लोग यहीं पर तक आ रही है गाड़ी हमारी। अब यहां से हमें जाना है पैदल। सब लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। हमारी हालत देखो कैसी हो गई है, बिल्कुल गाड़ी का सफ़र, पूरे 3-4 घंटे का सफ़र है हमारा नारायण नगर से मुंशियारी का।
तो वो रहा हमारा गांव। ऊपर रोड है और हमको जाना है ओ नीचे, फिर वहां से पार गार पार जाना है हमको। अभी हमने बहुत ज्यादा चलना है, ये देखिए। तो ये रहा नीचे रास्ता और हमें जाना है ऊपर गांव में। कुछ ज्यादा ही दूर दराज हो रहा है हमारा गांव, मैं तो पहली बार आ रही हूँ, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे तो। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। स्कूटी में जाने वाले लोग आज पैदल चल रहे हैं, जैसा देश वैसा भेस। ये देखिए चूक, ये ऐसा है रास्ता दोस्तों, देखिए इतने खतरनाक रास्ते में जाना है हमने। ये देखिए रास्ता, अभी तो खतरनाक रास्ता हो रहा है। उस पार से पहुंच गए हैं इस पार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम, कुछ ऐसी हालत हो गई हमारी सुबह से, थोड़ी देर गाड़ी में थोड़ी देर पैदल, बहुत ही ज्यादा हालत डाउन हो गई आज तो। पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर में और पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी 3 बजे पहुंच रहे हैं हम अपने मंदिर, 10 बजे के आए हुए, 3 बजे पहुंच रहे हैं। तो ये है हमारा इष्ट देवी का मंदिर, महाकाली का मंदिर है। अभी पापा और मम्मी कर रहे हैं पूजा, हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है हमारी इष्ट देवी का मंदिर, महाकाली का मंदिर है ये। अभी पापा लोग पूजा कर रहे हैं और जब तक पापा लोग पूजा करते हैं तब तक मैं आपको गांव दिखा देती हूँ कैसा है करके। हमारा गांव मैंने खुद पहली बार देख रही हूँ मैं, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए रास्ता, यहाँ से आए थे हम, ये रोड है और ये रहा रास्ता, ये रहा हमारा इष्ट देवी का मंदिर। तो कुछ ऐसा है हमारे गांव का व्यू। और ये रहा हमारा गांव, घर है यहाँ पर हमारा। तो ये है हमारा डुंगरी गांव, डुंगरी जो मुंशियारी क्षेत्र में पड़ता है। ये मुंशियारी क्षेत्र में पड़ता है हमारा गांव, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन में है, कभी आइए यहाँ विजिट कीजिए। पापा लोगों की पूजा हो गई है तो अब पापा से मिलाते हैं, बहुत दिनों बाद मिलेंगे आप पापा से। पापा हेलो गाइस, प्रणाम सभी लोगों को, मेरा नमस्कार। आज गांव में गए हम, गांव में पूजा पाठ का आयोजन हुआ है और पूजा करने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस अब बोलो, हेलो गाइस, मैं मंदिर आया हूँ, भगवान जी के मंदिर। अच्छा लग रहा है मुझे वो, अब बाय कर दो, बाय इधर बोलो, बाय इधर बोलो, बाय बाय। मलाई भी फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे मंदिर, गांव के मंदिर। तो इनसे पूछते हैं आप कैसा लगा, इनको कैसा लग रहा है आपको यहाँ के मंदिर से। अब हम लोग जा रहे हैं गांव के लिए, अब आपको गांव पास से दिखाते हैं, अभी तक दूर से देख रहे थे आप, हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे अपना गांव। कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, ये कुछ लोग आगे चल रहे हैं। ये देखिए कौन कौन आ रहा है मेरे पीछे, है नहीं ये जाने बचाने लोग। हेलो, हम रैंडम बंदे, रैंडम ही हो तुम लोग।
आपको दिख रहा होगा जाना माना गाँव नहीं, नहीं जाना माना गाँव यहाँ वालों के लिए होगा ये जाना माना गाँव। नहीं सब करो तो कुछ ऐसे है हमारे गांव में घर बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो ये रहा हमारा घर कुछ ऐसा है हमारा गांव में घर। अभी आ गए हैं हम सब लोग अपने घर अपने गांव के घर। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है अपने गांव में आके। इन सबसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है यहाँ नई नई जगह। बढ़िया लग रहा है यहाँ के। अरे नीचे मौजूद उड़ो बहुत तेज हवा लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? छुप क्यों रहे हो यार? बुआ और पापा से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है यहाँ। ये दोनों भाई बहनों से कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लगा है? हाँ अच्छा ही रहे। यही रहोगे? हाँ यही रहेंगे। ये तो यही रहने वाले हैं बस। हो गया इनका तो इनको ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यही रहने वाले हैं। इतने सालों बाद अपने गाँव में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही रहोगे? यही रहना चाहोगे? ये भी यही रहने वाले हैं। ये भी रहना आप भी यही रहना चाहोगे? ये तो रहेंगे नहीं क्योंकि मौसा जी के बिना मौसी जी का मन नहीं लगेगा और मौसा जी को भी यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा इसीलिए ये नहीं रहना चाहते हैं यहाँ। और अब दीदी से पूछते हैं इतने सालों बाद आके उनको कैसा लग रहा है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का व्यू जो है और यहाँ का जो गाँव घर है मजेदार है। मतलब बहुत ही फीलिंग ऑसम हो रहा है एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और अब आपको ताऊ जी से मिलाते हैं। ताऊ जी रहते हैं हमारे गांव में। ये हमारे ताऊ जी। ताऊ जी हेलो बोल दो। हेलो बोलो। हेलो ताऊ जी गांव में ही रहते हैं, इनका परिवार गांव में ही रहता है तो हम यहाँ। ये ताऊ जी का नाते है छोटा छोटा छुटकन। हाँ ये छोटा मेरा भतीजा है दक्षु। भतीजा है मेरा दक्षु रहता है इसका नाम दक्षु है। दक्षु दक्षु भाई कर दो। हाय कर दो। हाय कर दो। हाय हाय आज समझे पा रहे हो तो रोड पर। तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। स्नोफॉल होने की शायद आई थिंक स्नोफॉल हो सकता है तो इसलिए मैंने टोपी ऐसे लगा ली है। अभी बज गए शाम के 5 और हम लोग पहुँच गए थे 3-3:30 बजे के टाइम पर। तो सब लोगों ने यहाँ आकर रेस्ट करा, खाना आना खाया। मम्मी और पापा मंदिर में ही हैं। हम सब लोग नीचे गांव में आए हुए थे। हम गांव में आए हैं क्योंकि हमारी पूजा है। तो हमारी पूजा है आज रात को और कल दिन में। रात की पूजा का वीडियो और कल दिन की पूजा का वीडियो आपको फिर देखने को मिलेगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बबीता मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।